अस्सलाम वालेकुम, अवान राइस मिल रिसर्च फार्म से मैं मोहम्मद अहमद अवान, और आज हम आपको दिखाएंगे कि जो गंदम की कटाई के बाद हमने ढांचा लगाया था ज़मीन की तैयारी के लिए चावल की फसल की, तो वो देखें। अब ढांचा काफ़ी माशाल्लाह बड़ा हो चुका है और इसकी हम अब इसमें हल चला रहे हैं ज़मीन के अंदर। ये असल में हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि ढांचा हमने क्यों लगाया, कि जब हम गंदम की कटाई करते हैं तो उसके बाद जो उसकी फसल की बाकियात होती हैं, जो जड़ें जिसको आप कह लें, वो ज़मीन के अंदर होती हैं, तो लोग आमतौर पर किसान क्या करते हैं, उनको आग लगा देते हैं, जिससे जो ज़मीन के अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो उससे मुतासर होते हैं, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी पे इफ़ेक्ट आता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप वो आग ना लगाएं, उससे इन्वायरमेंट भी डिस्टर्ब होता है और आपकी ज़मीन की जो पैदावार उसमें भी इशू आता है। तो इसको अगर आप लगाते गंदम की कटाई के बाद, तो उसके बाद आप इसमें हल चलाएं, और हल चलाने के बाद आगे आप इस ज़मीन को तैयार कर लेते हैं चावल की फसल के लिए, जहाँ पे आपने जो अपनी पनीरी है वो ट्रांसप्लांट करनी होती है। तो इस तरह की हम आपको जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो बताते रहेंगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला। तो आप हमारे जो चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करें और हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको देखते रहें। शुक्रिया।